गुरु जी, यदि हमारी जन्म कुंडली में 5 ग्रह अच्छे हो तो क्या होगा? प्रिय भक्तगणों, 5 ग्रह तो हम मनुष्यों की जिंदगी में बहुत अच्छे होकर बैठ ही नहीं सकते। अगर आप हिंदुस्तान की ऊपर नजर डालें, हमारी भारत के ऊपर नजर डालें, तो आज अगर राहुल गांधी या गांधी परिवार या सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आप पाएंगे कि उनके भी 3+ ग्रह ही बहुत अच्छे होकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आज उनको हमारे देश में इतना हक मिलता है कि वो आज जिसे मर्जी चाहे प्रधानमंत्री बना देते हैं, जिसे मर्जी चाहे वो राष्ट्रपति बना सकते हैं, जिसे मर्जी चाहे वो गृह मंत्री या वाणिज्य मंत्री या व्यापार मंत्री बनाने की क्षमता रखते हैं। 5 ग्रह तो केवल परमपिता परमात्मा के ही अच्छे हुए थे या अच्छे होते हैं। अब देखिए, अगर हम भगवान श्री राम की जन्म कुंडली का अध्ययन करें, जिन्हें पूरा हिंदू समाज या पूरी दुनिया में बैठे हुए हिंदू लोग या हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग भगवान कहकर पूजते हैं, आप अगर उनकी जन्म कुंडली का भी अध्ययन करें तो पाएंगे कि सबसे पहले भगवान श्री राम को वनवास जाने का ऑर्डर मिला माता के कई के कहने पर। तो एक ग्रह तो वो खराब हो गया जिसने उन्हें 14 वर्ष का वनवास कराया। दूसरे ग्रह की बात करें तो उस वनवास की सूचना के बाद उनके पिता राजा दशरथ को गन्ने या आज की अगर परिस्थिति में कहें तो हार्ट अटैक के कारण उन्हें पंच तत्व में विलीन होना पड़ा। यानी भगवान श्री राम को अपने युवा काल में ही अपने पिता से वंचित होना पड़ा। यह वो दूसरा ग्रह था जो खराब था। तीसरे ग्रह के रूप में उन्हें रावण से दुश्मनी लेनी पड़ी, वो और माता सीता का रावण के द्वारा यानी उनकी भार्या का, उनकी पत्नी का, उनकी वाइफ का अपहरण हुआ, किडनैप हुआ। ये उनका एक और ग्रह खराब था। उसके अलावा उन्हें अपने पुत्र लव और कुश के विरोध का और उनसे बिछुड़ने का भी सामना करना पड़ा और उनकी पत्नी सीता मैया का अग्नि में कूदकर देहावसान हुआ, यानी वो अपने धाम को जा सके। तो इस प्रकार अगर उनकी जन्म कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि वो ग्रह क्योंकि अच्छी पोजीशन में नहीं थे, अच्छे होकर बैठे हुए नहीं थे, इसलिए उन ग्रहों ने भगवान श्री राम को समय समय पर अपनी ग्रह दशा में, अपनी अंतर दशा में कष्ट प्रदान किए। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे तो भी हम इसी प्रकार की परिस्थितियों को पाएंगे, उनके पूरे जीवन को संघर्ष में पाएंगे, उनके ऊपर विभिन्न ग्रहों की बुरी दशाओं का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने वो संघर्ष, वो जीवन संघर्ष जो था, वो उन ग्रहों की बुरी अवस्था में ही गुजारा। तो जहां तक मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ, मैं अपने ज्ञान की बात करता हूँ, तो मैं यही पाता हूँ कि परम पिता परमात्मा के जो स्वरूप थे, जिन्होंने जब धरती पर जन्म भगवान श्री राम बनकर लिया या भगवान श्री कृष्ण बनकर लिया, तो उनके भी केवल 5 ही ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में थे, जिसकी वजह से आज युगों के गुजर जाने के बाद भी हम सब उनको
याद करते हैं, उनका पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके बारे में चिंतन मनन और उनका गुणगान करते हैं। क्या आप अपनी या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई व कैरियर को लेकर परेशान हैं? क्या आपके बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा? क्या आपके कैरियर के बीच अनचाही रुकावटें आ रही हैं? तो आज ही विश्व के 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अपनी परेशानियों को दूर करने के उपाय रेमेडीज जानने के लिए अभी लॉग ऑन करें www.shanidev.us पर। होम पेज पर उपलब्ध एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस बटन पर जाएं। अपनी प्रॉब्लम सिलेक्ट करें। प्रॉब्लम पेज पर जाकर नीचे दिए गए फॉर्म में अपनी बर्थ की डिटेल्स यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भरें। फेस रीडिंग के लिए अपनी फेस का एक फोटो भी लगाएं और हमें भेज दें। गुरुजी आपकी बर्थ डिटेल्स का एनालिसिस करेंगे। अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद गुरुजी आपको सूट करने वाले उपाय रेमेडीज ईमेल द्वारा 48 घंटों के भीतर भेजेंगे। अपने ईमेल आईडी पर गुरुजी द्वारा दिए जाने वाली रेमेडीज प्राप्त करने के बाद आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। यदि फिर भी आपके मन में कोई संदेह हो या आप गुरुजी से कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे फोन नंबर 011-450-51710 पर गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी से चमत्कारी उपाय या रेमेडीज जानने की फीस केवल ₹1200 या $24 है, जो कि गुरुजी द्वारा किए जाने वाले विभिन्न सामाजिक कार्य जैसे कि शनि आश्रम निर्माण, मंदिर निर्माण, गौशाला, महायज्ञ, लंगर इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी अपने लिए कोई फीस नहीं लेते। हिंदुस्तान में रेमेडीज जानने के लिए आप भगवान शनि देव के इस कॉर्पोरेशन बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं अथवा अपने बैंक से या पास के किसी भी बैंक से RTGS, NEFT ट्रांसफर कर सकते हैं। आप मनी ऑर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो भक्त इंडिया से बाहर विदेश में है वह हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का प्रयोग PayPal के द्वारा कर सकते हैं। पूरे विश्व में लाखों लोग गुरुजी से उपाय जानकर अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं। तो आप भी गुरु रजनीश ऋषि जी की शरण में आए और अपना जीवन सुखी बनाए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि गुरुजी किसी भी प्रकार का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं बताते। वह केवल आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके भाग्य को चमकाने के लिए, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाते हैं। जय शनिदेव।